श्री रामकृष्ण परमहंस देव के प्रेरणा से उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता के पास बेलूर ग्राम में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना मोक्ष और जगत का कल्याण, यही है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य। वृंदावन की पावन नगरी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जग को पुकारा था। भक्ति रस से परिपूर्ण इस ब्रज धाम में 1907 में रामकृष्ण मिशन की एक शाखा खोली गई। अस्पताल संचालन ही यहाँ का मुख्य कार्य है। 4 बेड का एक अस्पताल आज 165 बेड के एक सुसंपन्न अस्पताल में परिणत हुआ है। यह अस्पताल 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र के लोगों की सेवा करता है। वृंदावन में किसी अच्छे सरकारी अथवा गैर सरकारी अस्पताल के अभाव में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम का अस्पताल ही दीन दुखी साधु संत और विधवाओं का आश्रय स्थल बना हुआ है। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन 900 से अधिक रोगियों की चिकित्सा की जाती है। निशुल्क पंजीकरण के पश्चात रोगियों को अलग अलग विभागों में भेजा जाता है, जहां उनकी निशुल्क चिकित्सा की जाती है। इन विभागों में अनुभवी डॉक्टर रोगियों की परीक्षा कर उनकी उत्तम चिकित्सा करते हैं। यह चिकित्सा पूर्णतया निशुल्क होती है। ज्यादातर आदमी ऐसे आते हैं खाएं तक को नहीं, गरीब लोग, विधवा, वृद्ध लोग, रहने को जगह नहीं है। ये संस्था सारी चीज देती है, तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि आप वाकई आप लोगों के लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन आप देखभाल कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। हर तबके का आदमी आता है, उसमें कोई तकल्लुफ नहीं, लेकिन ये समझ के आता मेरे ख्याल से कि उसको वो कौन है, राइट, या उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इसका यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। उसकी बीमारी का ही कंसिडरेशन होगा, रोगी सेवा। लेकिन हमारे पास इतने लिमिटेड फंड्स हैं कि हम एडिक्वेट डॉक्टर्स जो कि कंपनसेशन चाहते हैं वो नहीं दे सकते। मैन पावर शॉर्टेज है, नर्सेज की शॉर्टेज है, और वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट तो नहीं, लेकिन आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जो थोड़े लोग देते हैं फंड्स उसी में किस तरह करते हैं, और जबकि आप बेड का कोई चार्ज नहीं ले रहे, दवाओं का यहाँ 80% मेडिसिन आर प्रोवाइडेड फ्री। कई मंदिरों में भी आप प्रसाद जितना बड़ा देंगे, जितना बड़ा धन देंगे, उतने बड़ा प्रसाद मिलेगा आपको कई मंदिरों में। ये ऐसा मंदिर है जहाँ कि आप दुखी हो, गरीब हो, बीमार हो, आप कोई प्रसाद नहीं तब भी आपको देखेंगे। ये साधु भाव बहुत सारी जगह नहीं मिलता, मैं इसलिए यहाँ आया। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम अस्पताल में नवीन यंत्रों से युक्त बहुत से विभाग हैं। अल्ट्रासाउंड विभाग में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के शिशु के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त पेट की अन्य बीमारियों की भी जांच इस विभाग में की जाती है। एक्सरे विभाग में आधुनिक यंत्रों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के एक्सरे लिए जाते हैं, जिसके आधार पर डॉक्टर चिकित्सा करते हैं। सेवाश्रम अस्पताल में अत्याधुनिक यंत्रों से सुसंपन्न एक नेत्र विभाग है। यहाँ आँखों की सामान्य जांच के अलावा चश्मे बनाना, आँखों के विभिन्न रोगों की चिकित्सा और ऑपरेशन भी किया जाता है। यहाँ आँखों में लेंस भी लगाए जाते हैं, और यहाँ फेको पद्धति द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया जाता है। अस्पताल के दंत विभाग में दांतों की सारी जांच और चिकित्सा की जाती है। यहाँ नकली दांत भी लगाए जाते हैं।
अस्पताल में स्थित मेडिकल स्टोर से रोगियों को निशुल्क दवाइयां दी जाती हैं। फिजियोथेरेपी विभाग में शरीर के विभिन्न अंगों के व्यायाम, रेडिएशन, ट्रैक्शन, वैक्स बाथ आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल की लेबोरेटरी में खून, मूत्र, मल आदि की हर तरह की जांच नवीनतम यंत्रों से की जाती है। सेवाश्रम अस्पताल में डॉक्टर हृदय, टीबी, हड्डी आदि प्रत्येक अंग का इलाज करते हैं। इसके अलावा यहाँ कैंसर और नस या मस्तिष्क के रोगों का भी इलाज किया जाता है। एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली के अलावा सेवाश्रम में अन्य प्रणालियों द्वारा भी चिकित्सा की जाती है। यह प्रणाली है आयुर्वेद, होम्योपैथी, अक्यूप्रेशर, योग, प्राणायाम, प्राणिक हीलिंग, रेकी आदि। मथुरा जनपद में अच्छे ब्लड बैंक के अभाव को देखते हुए रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम ने एक अत्याधुनिक सुसंपन्न ब्लड बैंक प्रारंभ किया है। यह ब्लड बैंक समस्त मथुरा जनपद में अपनी तरह का एकमात्र ब्लड बैंक है। अस्पताल में टीकाकरण के अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं और मरीजों की मरहम पट्टी भी की जाती है। आत्मनो मोक्षार्थम् जगद्धिता। This is a good hospital because they are providing services for the poor people. There are a lot of needy people in this, as you know, in this hospital. I see people are so poor. I have never seen the poverty, the degree of poverty before. They have adequate facilities, and they have also good doctors. They have good doctors. They are motivated. They are trying their best. ये हॉस्पिटल का ध्येय यह है कि गरीब की सेवा करना, तो ये सेवा यहाँ होती है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। रोगियों की चिकित्सा के माध्यम से जनहित की ओर अपना छोटा सा प्रयास कर रहा है सेवाश्रम।
श्री रामकृष्ण परमहंस देव के प्रेरणा से उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता के पास बेलूर ग्राम में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना मोक्ष और जगत का कल्याण, यही है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य। वृंदावन की पावन नगरी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जग को पुकारा था। भक्ति रस से परिपूर्ण इस ब्रज धाम में 1907 में रामकृष्ण मिशन की एक शाखा खोली गई। अस्पताल संचालन ही यहाँ का मुख्य कार्य है। 4 बेड का एक अस्पताल आज 165 बेड के एक सुसंपन्न अस्पताल में परिणत हुआ है। यह अस्पताल 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र के लोगों की सेवा करता है। वृंदावन में किसी अच्छे सरकारी अथवा गैर सरकारी अस्पताल के अभाव में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम का अस्पताल ही दीन दुखी साधु संत और विधवाओं का आश्रय स्थल बना हुआ है। सेवाश्रम में 6 ऑपरेशन थिएटरों का एक कॉम्प्लेक्स है, जो आगरा मंडल में अपनी तरह का एकमात्र ऑपरेशन थिएटर है। यह ऑपरेशन थिएटर जर्मन तकनीक पर आधारित है। जिन रोगियों को दीर्घकाल चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उन्हें यहाँ के वार्ड में भर्ती किया जाता है। अस्पताल में पुरुष, महिला और बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड है। जच्चा बच्चा विभाग में बच्चे के जन्म के पहले और जन्म के बाद माँ और बच्चे की देखभाल की जाती है। इसके अलावा माँ को बच्चे के लालन पोषण, बच्चे की खुराक आदि के संबंध में बताया जाता है। समय के पूर्व जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं। इनकी देखरेख नर्सरी विभाग करता है, जहां इन बच्चों को पर्याप्त ताप और नली द्वारा खुराक दी जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन आवश्यक है। सेवा आश्रम अस्पताल में रोगियों को उनकी आवश्यकता अनुसार संतुलित पौष्टिक आहार प्रदान करता है। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम वृंदावन के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल मेडिकल सेवा करता है। आत्मनो मोक्षार्थम। इस सेवा के अंतर्गत हर सप्ताह 3 दिन विभिन्न ग्रामों में जाकर रोगियों की चिकित्सा की जाती है और उन्हें दवाइयां दी जाती हैं। एलोपैथी डॉक्टर के अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेद चिकित्सक भी गांवों में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। प्रशिक्षित नर्स और अस्पताल के अन्य कर्मचारी भी रोगियों की देखरेख करते हैं। गाड़ी आती है तो यहाँ मरीज आते हैं। हमारे पास में एक रामपुर गांव है, उमरी है, नगरी है, कोशी है और जो है इत्यादि आदि गांवों से आते हैं। यहाँ से उनको लाभ मिलता है तो फिर उनको जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने साथ ले जाते हैं। जो जाने लायक नहीं होता है और जिनके पास पैसा भी नहीं होता है, उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं और वहाँ उनको एडमिट किया जाता है, पूरा सम्मान दिया जाता है और सुचारू रूप से उनकी देखभाल की जाती है। तो वहाँ का व्यवहार हमको बड़ा ही संतोषजनक लगा है। स्वास्थ्य और वातावरण की नियमित देखरेख ही रोगों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय। ग्रामीण लोगों को उनके स्वास्थ्य और आसपास की देखरेख के लिए रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम से नर्सों का एक दल नियमित रूप से प्रशिक्षण देता है। जच्चा बच्चा का देखरेख, अच्छा संतुलित भोजन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी विषयों के बारे में ग्रामीण महिलाओं को जानकारी दी जाती है। नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य की जाँच भी नियमित रूप से की जाती है। शिक्षा ही सब समस्याओं का हल है। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के नर्स
गांव वासियों को पढ़ना लिखना भी सिखाते हैं। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में स्त्री शिक्षा की ओर प्रयास के अंतर्गत एक नर्सिंग स्कूल का संचालन किया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष 20 छात्राएं 3.5 साल के निशुल्क नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेती हैं। कोर्स की पूर्ति के पश्चात उन्हें जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। यहाँ कुशल और अनुभवी शिक्षक आधुनिक तकनीक और यंत्र और सुसंपन्न पुस्तकालय के माध्यम से उत्तम शिक्षा देने पर तत्पर रहते हैं। यहाँ के छात्रावास में छात्राओं के पूर्ण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर उनके खेलकूद की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ उनके आध्यात्मिक जीवन की ओर भी ध्यान दिया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाली ये छात्राएं इस स्कूल में आकर अपना भविष्य बना पाती हैं। यहाँ से उत्तीर्ण होकर छात्राएं देश विदेश के बड़े बड़े अस्पतालों में नौकरी पाती हैं। असहाय पीड़ित विधवाएं 4000 से भी अधिक, यह है वृंदावन का एक भयानक पहलू। विधवाओं को थोड़ी सी राहत देने के लिए रामकृष्ण मिशन प्रतिमाह 850 विधवाओं को राशन देता है। इसके अलावा समय समय पर उन्हें कंबल, कपड़े, बर्तन आदि भी दिए जाते हैं। आवश्यकता बहुत अधिक है, संसाधन सीमित, इस कारण सेवा आश्रम सब विधवाओं की सहायता नहीं कर पाता है। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम वृंदावन आम जनता के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए अनेक कार्यक्रम चलाता है। सेवा आश्रम के मंदिर में हजारों लोग ध्यान और भजन के माध्यम से शांति प्राप्त करते हैं। मिशन गरीब छात्रों को प्रतिवर्ष पाठ्य पुस्तक वितरण करता है। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए नकद सहायता, विवाह, श्राद्ध, अंतिम संस्कार आदि के लिए नकद सहायता, निशुल्क रक्त, कंबल और कपड़े आदि भी दिए जाते हैं। मिशन के वाचनालय में नाना प्रकार की पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध हैं, जिनके अध्ययन से नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति निश्चित है। यहाँ के बुक स्टॉल में रामकृष्ण, विवेकानंद और आध्यात्मिक पुस्तकें भक्त और आगंतुकों के खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। सेवाश्रम में रोगियों और कर्मचारियों को दूध प्रदान करने के लिए एक गौशाला भी चलाई जाती है। यहाँ गायों की अच्छी देखरेख की जाती है। यहाँ की गाय अपना नाम सुनने पर दौड़ी चली आती है। मिशन नियमित रूप से रक्तदान शिविर श्री रामकृष्ण, श्री शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और अन्य अवतार के जन्मदिन, भागवत पाठ, साधु वैष्णव भंडारा, विधवा भंडारा, नर नारायण पूजा आदि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें युवक और जनसाधारण के सांस्कृतिक जीवन के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। रोगियों की चिकित्सा के माध्यम से जनहित की ओर अपना छोटा सा प्रयास कर रहा है सेवाश्रम।